साथियों नमो नमः। आज हम आपके लिए बीए की कक्षाओं के लिए और आईएलटी पीजीटी के लिए नेट के लिए बहु उपयोगी वीडियो जो हमारे संस्कृत ज्ञान प्रभाष चैनल पर उपस्थित है, आज हम यहाँ पर कुमार संवत से सप्तम श्लोक पढ़ेंगे। तो सप्तम श्लोक, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि उपजाति छंद में लिखा गया है और उपजाति छंद का लक्षण उदाहरण इसके विषय में विस्तार से चर्चा हम लोग और वीडियो पर कर चुके हैं। आपको कोई भी हमारा वीडियो देखना हो तो उसके लिंक को खोजने के लिए कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और मिल जाएगा। बाई चांस अगर आपको नहीं मिलता है तो चैनल पे श्लोक का नाम डाल दीजिए, किताब का नाम डाल दीजिए और हमारे चैनल का नाम डाल दो। जैसे आपको चाहिए कुमार संभव तो कुमार संभव से, अगर पांचवा श्लोक चाहिए है तो कुमार संभव पंचम श्लोक डाल दो और संस्कृत ज्ञान प्रभा लिख दो तो आपको हमारा वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। चलिए हम पढ़ाते हैं। अनंतरो दीर तिलक्षुम्भाजो पादो यदि वा उपजातयस्तम्। अनंतरो दीर तिलक्षुम्भाजो पादो यदि वा उपजातयस्तम्। न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र भुर्जतु चाकुञ्जरबिन्दुशोणा। व्रजन्ति विद्याधर सुन्दरीणाम् अनंगलेख क्रियोपयोगम्। एक बार हम लोग फिर से पढ़ने का प्रयास करते हैं। न्यस्ताक्षर धातुरसेन यत्र भुर्जतु चाकुञ्जर बिन्दुशोणा। व्रजन्ति विद्याधर सुन्दरीणाम् अनंगलेख क्रियोपयोगम् क्रियोपयोगम्। तो साथियों यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि हिमालय पर्वत जो है वो सिंदूर आदि धातुओं से अंकित किए हुए, मतलब वहाँ पर यह दिया हुआ है कि हिमालय जो पर्वत है वहाँ पर जब बादलों की घटाएं गिरती हैं तो पूरा सिंदूर दान लगता है। देखिए मैं आपको सरल विधि से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। अन्वय में देखिए यत्र माने जहाँ पर, कहाँ पर, हिमालय पर। धातु रसेन, यहाँ पर धातु के रस का मतलब है विभिन्न धातुओं के रस गेरुए आदि। क्या लिखा है, न्यस्ताक्षरा अंकित किए गए, न्यस्त माने रखे गए, अंकित माने लिखे गए, जो इच्छा लगे कह लो। और आगे लिखा है अक्षरा, तो यत्र भुर्जत तुचा। साथियों ये भुर्ज तुचा क्या होता है, भोज नाम के वृक्ष होते हैं और ऐसे वृक्षों की हिमालय पर्वत पर बहुलता है, तो ऐसे हिमालय पर्वत पर भोज वृक्षों की बहुलता है और उनकी छाल उनके पत्तों पर जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हीं को भोज पत्र के नाम से जानते हैं। तो भोज पत्र जो हैं, अब उन पर लिखने के लिए स्याही चाहिए तो लिखा हुआ है कुंजर बिंदु सोणा। कुंजर माने हाथी होता है, बिंदु माने बिंदुएं होती हैं और सोणा माने होता है लाल अथवा खून। तो साथियों देखिए जो लाल लाल बूंदें होती हैं वो हाथियों के शरीर पर बन जाती हैं। जो लाल बूंदें हाथियों के शरीर पर बन जाती हैं उन्हें पद्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, पद्मक। तो कुंजर बिंदु सोणा, हाथियों के शरीर पर लाल रंग की जो बूंदें होती हैं, अब लाल रंग का मतलब बिल्कुल लाल नहीं है, उसे सिंदूर समझ लीजिए। भूर्ज तुचा, भूर्ज के तुचा माने भोज पत्र पे विद्याधर सुंदरी नाम, जो देवों की सुंदरियां हैं, जो विद्याधरों की पत्नियां हैं, जो अप्सराएं हैं, अनंग लेख क्रिया। अनंग लेख, अनंग माने कामदेव होता है, लेख माने पत्र होते हैं, क्रिया माने करने लगती हैं, तो वे जो विद्याधरों की जो सुंदरियां हैं वे प्रेम पत्र लिखती हैं, यहाँ पर उन्हीं को अनंग लेख कहते हैं। क्योंकि तो अनंग कामदेव का पर्यायवाची है और कामदेव मतलब काम माने इच्छाएं,
तो जब इच्छाएं किसी की आगे बढ़ती हैं, किसी को देख करके किसी पे आसक्त होती हैं, तो पत्र जब लिखते हैं, प्रेम पत्र लिखते हैं, उसी को यहाँ पर अनंग लेख कहा गया है। और उपयोगम दर्जंती, तो देवताओं की जो स्त्रियाँ हैं वो कामदेव के पत्रों को लिखने में व्यस्त हो जाती हैं। यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए, जो हिमालय पर्वत है उसके ऊपर सिंदूर जैसी बहुत सी धातुएं उनके रसों से अंकित किए गए और हाथी के पद्मक बिंदुओं के समान, हाथी के शरीर पर जो लाल लाल बिंदु बन जाते हैं उन्हें पद्मक कहते हैं, उसके समान लाल वर्ण के भोजपत्र हैं। तो पद्मक बिंदुओं के समान भोजपत्र हो गए और सिंदूर के समान हो गए जो हिमालय पर्वत है, सिंदूर के समान धातुओं के रस हो गए। अब लिखने के लिए स्याही भी मिल गई, अब भोजपत्र रूपी कापी भी मिल गई। तो जो स्त्रियां हैं देवों की, जो देवों की स्त्रियां हैं वो पत्र आदि लिखने में व्यस्त हो जाती हैं। देखिए मैं आपको विस्तार से फिर बताता हूँ, यत्र धातु रसे न्यस्त अक्षरा, जहाँ पर धातुओं के रस से लिखे गए अक्षर हाथियों के शरीर पर अंकित लाल लाल बूंदों जैसी भोजपत्र के समान उन्हें समझ करके विद्याधर जो हैं और उनकी पत्नियां हैं विद्याधर सुंदरी, तो उनकी सुंदरियां कामदेव के पत्रों को लिखने में प्रयोग करती हैं। मैं आपको जरा इसके बारे में भावार्थ बताता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि तात्पर्य ये है कि हिमालय पर बहुसंख्यक भोज वृक्ष हैं, उनके लाल वर्ण के पत्तों पर यानी लाल लाल पत्तों पर विद्याधरों की सुंदरियां सिंदूर आदि धातुओं के रस से अपने प्रेम पत्र लिखती हैं। जब वो प्रेम पत्र लिखती हैं तो भोज पत्रों पर सिंदूर आदि धातु से अंकित जो लाल वर्ण के अक्षर लिखे गए हैं, भोज पत्रों पर देवों की सुंदरियों के द्वारा जो लाल रंग से अक्षर लिखे गए हैं, वे हाथी के शरीर पर बने लाल लाल बिंदु जिन्हें पद्मक कहते हैं, तो वे पद्मक के समान दिखाई देते हैं। हाथियों की अवस्था विशेष हो जाती है तो उनके शरीर पर लाल रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, उन्हीं लाल बिंदुओं को यहाँ पर पद्मक कहा गया है। साथियों धातु रसेन कहते हैं, धातु नाम रसो धातु रसेन तेन न्यस्त अक्षरा, उससे बनाए गए अक्षर कुंजर बिंदु सोना कुंजरा राम शरीर बिंदवा कुंजर बिंदवा षष्ठी तत्पुरुष समास है। अब भूर्य तुचा कहते हैं, भूर्जा नाम तुचा भूर्य तुचा षष्ठी तत्पुरुष समास है। अनंग लेख क्रिया अनंगस्य लेखात्ताम क्रिया तया तत्पुरुष समास है। तो साथियों जैसा आप जानते हैं कि इस पद में हम आपको दिखा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे अनंग लेख क्रिया कामदेव संबंधी लेख क्रिया से देव सुंदरियां होती हैं, हिमालय पर्वत पर घूमती हैं और भोज पत्र पर अपने प्रेम पत्र लिखती हैं। छंद उप जाती है, अलंकार लुप्त उपमा है और कुंजर बिंदु सोना में समास के कारण इव का लोप हो जाने से लुप्त उपमा हुआ है। एक बार हम आपको उपजाति का लक्षण पढ़ाते हैं, अनंतरो दीर तिलाचुंभाजो पादो यदि वा उपजातयस्त, अनंतरो दीर तिलाचुंभाजो पादो यदि वा उपजातयस्त। साथियों मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो अपने विचार से बनाता हूँ, अगर आपको किसी अपने विशेष टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए है तो अवश्य मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और हो सके तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को अल्प विराम देता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।